अच्छा लगे तो प्रिया गुप्ता किचन को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को जरूर बजा देना, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। जय साई राम दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे, आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम आपको एक्सरसाइज करना बताएंगे, कैसे छोटे 1 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे की किस तरह से एक्सरसाइज की जाती है, वो तरीका आपके साथ साथ हम बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको उपटन करना बताया था और मालिश करना, अब एक्सरसाइज करना बताएंगे। चलो सबसे पहले आपको बच्चे को उपटन करना है, फिर उपटन करने के बाद उसका मालिश करना है, मालिश करने के बाद आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज जब बच्चे को करने के बाद फिर 15 मिनट या 20 मिनट बाद उसको नहलाना है, फिर अपने बच्चे को जैसे तैयार करते हैं उस तरह से आपको तैयार कर देना है। और ये सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, उपटन भी ज़रूरी है और मालिश और एक्सरसाइज ये सब ज़रूरी है। चलो आपको हम एक्सरसाइज करना बताते हैं। फिर मान लो आज हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं, आप मालिश करने के बाद आपको एक्सरसाइज बच्चे की कराना है, एक फिर आपको एक्सरसाइज करना बता रहे हैं। और मैं 2-3 महीने से आपको एक्सरसाइज बच्चे की करवानी चाहिए। पहले 2-2 महीने में बच्चे नाजुक होते हैं, उसका डर लगता है, उसको केवल तेल लगाकर और थोड़े पैर दबाकर उसको उसकी मालिश नहीं करनी चाहिए। जैसे 3 महीने या 2 महीने का हो जाए फिर आपको मालिश करनी चाहिए, मालिश और एक्सरसाइज करनी चाहिए दोनों। चलो हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज करना बता रहे हैं। यहाँ पर मैंने मालिश करने के बाद बच्चे को लिटा कर फिर आपको पैरों से आपको एक्सरसाइज करवाना है। सबसे पहले दोनों पैर लेना है और ये 5 बार आपको करना, हर स्टेप 5 बार करना है। पहला स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करना है पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज आपको हाथों की करनी है, जो दोनों हाथ दूसरा स्टेप है, हाथों को लेना है इस तरह, फिर हाथों से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 5 बार आपको 5 बार कर लेनी है। फिर आपको एक हाथ लेना है, एक पैर लेना है, पहले सीधे का और एक उल्टे का, उल्टा पैर लेना है, एक सीधा पैर लेना है, राइट और रॉन्ग, लेफ्ट और राइट लेना है हमने। फिर आपको इस तरह से, फिर आपको एक राइट हाथ ले लेना है, हैंड ले लेना है, फिर आपको एक हाथ लेना है और एक पैर लेना है, एक एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का पैर लेना है। फिर आपको इस तरह से 5 बार आपको कर एक्सरसाइज कर लेना है। इसी तरह दूसरे पैर का करना है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर आपको क्या करना है, अब दोनों पैरों को लेकर तीसरा स्टेप है एक्सरसाइज करने का, हाँ पैर का, 1, 2, 3, 4, 5 छाती के आपको लगाना है दोनों पैरों को। फिर आपको दोनों पैर लेकर उसको सीधा ले थोड़ा झुकाना है माथे तक, ये भी 5 बार करना है आपको। और फिर इसके बाद आपको इसकी साइकिल पर पैरों को लेना, इसकी हाथ तो पैरों की 5 बार साइकिल चलाना है, 1, 2, 3, 4, 5 ये साइकिल चलाना है आपको बच्चे की। फिर इसके दो पंजे होते ना, फिर इसको और फिर ये पैर होना है, फिर इसको घुमाना है, इसको ऐसे 5 बार ऐसे घुमाना है जिससे उसके घुटनों को मजबूत होते हैं।
फिर आपको दोनों पैन लेना है इस तरह से, इससे बच्चे क्यों गैस नहीं बनती है इसलिए करते हैं 1 2 3 4 5। फिर आपको इसी तरह हाथ का लेना है, ऐसे 5 बार करना है 2 3 4 5। फिर इसी तरह हाथ का दूसरे हाथ का करना है 2 3 4 5। फिर आपको दोनों हाथों को घुमाते हुए 1 दोनों हाथ को बेटा थोड़ा करवा लो आप, दोनों हाथों को लेकर 1 2 3 4 5 इस तरह हाथ दोनों हाथों का भी करना है। फिर आपको फिर एक हाथ को 1 2 3 4 5 फिर दोनों हाथों का करना है, फिर ऐसे से घुमा कर फिर ये हाथों की हथेलियों की ताली थोड़ी बजाना है जिससे हाथ का खून संचार अच्छे से हो सके। फिर आपको ऐसे कर कर ऐसे करने के बाद आपको फिर ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे घुमाते हुए ताली बजा देना है जिससे उनकी खून संचार अच्छा से हो सके। फिर आपको ये पैर लेना है, पैरों का लेना है, इसी पैरों की जो होती ना, फिर आप ये पैरों को इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 इन पैरों को करना है 2 3 4 5। फिर इनको इस तरह से घुमाते हुए पैरों को भी ताली बजाना जिससे इसका भी पैरों का खून संचार अच्छे से हो जाता है। बच्चों को जो भी प्रॉब्लम होती है तो गैस वगैरह की ये नहीं होती है एक्सरसाइज करने पर बस। और आप थोड़े इसके ये मेरी एक्सरसाइज थी और इसने एक्सरसाइज करवा ली है। और फिर तेल मालिश हो जाने के बाद और आपने चाहो तो आप पीछे को पेट के बल लेटा कर पीछे को ऐसे 2-5 बार ऐसे पैरों की भी एक्सरसाइज करना है जिससे इससे भी घुटने मजबूत होते हैं। और फिर एंड में सब सीधे भैया लेट जाओ बेटा सीधे होके थोड़ा आखिरी स्टेप, जब पूरी तरह से एक्सरसाइज हो जाए तो फिर आपको दोनों पैर एक मिनट हाँ दोनों पैर और दोनों हाथों को पकड़कर फिर इस तरह से इसको ऐसे से कर देना है। ये पूरी एक्सरसाइज है बच्चे की और मैंने पूरी बच्चे की एक्सरसाइज कर बता दी है। और आप जो भी आपको क्वेश्चन पूछना तो कमेंट में पूछ लेना तो आपको मैं बता दूंगी। और ये थी एक्सरसाइज बच्चे की। आई होप आपको ये एक्सरसाइज का वीडियो समझ में आ गया होगा, जहाँ आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और चलो चलो वीडियो का एंड करते हैं और बाय बाय।